करेंगे। यानी क्या करेंगे, तो ये लेयर में जो हमारी मिट्टी है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी।
डिलीट हो जाती है, यानी कि एक साथ बहुत सारा काम आप एक साथ कर सकते हो। अब ये हमारा पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी आपकी जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाएगी किसके लिए, कल्टीवेटिंग के लिए। अभी दूसरा स्टेप है सोइंग, सोइंग यानी ड्रॉप द सीड्स। आपको क्या करना है, कोई भी प्लांट को ग्रो करना है तो उसके लिए चाहिए सीड्स। अगर आप जब तक सीड्स ड्रॉप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप सोइंग नहीं कर पाओगे या तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाओगे। और देखो ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें ये भी हमें याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो ड्राई हो जाती है, मतलब उसमें वाटर की कमी आ जाती है, मतलब पानी खत्म हो जाता है। तो कभी कभी उसको ये जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं तभी उसमें क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं यानी पानी डाल देते हैं, यानी कि जो उसमें ड्राइनेस आ गई है वो चली जाए। और कभी कभी मैन्यूर भी डालते हैं पहले ही, क्योंकि वो अच्छी तरह से उसके साथ मिल जाएगी, यानी हम उसमें मैन्यूर भी डाल सकते हैं। अब देखो दूसरा हमारे सोइंग, सोइंग में क्या होता है, ड्रॉप करना होता है सीड्स को। अभी देखो जब भी हमें कुछ अच्छा क्रॉप चाहिए तो उसके लिए सीड्स कैसे हमें चाहिए, गुड क्वालिटी एंड हेल्दी। अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं करोगे तो आपका जो प्लांट उगेगा ग्रो होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो देन वी रिक्वायर गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स फॉर गेटिंग हाई यील्ड, यानी आपको अच्छी सी फसल चाहिए तो वी हैव टू यूज गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स। अब अभी अगर घर में प्लांट करना तो हाथ से कर सकते हो, लेकिन जैसे आपका फार्म है तो एक एक आप डाल नहीं सकते हो, सीड्स ड्रॉप नहीं कर सकते हो, तो क्या उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हमारे पास दो टाइप के टूल्स हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सीड्स को ड्रॉप कर सकते हैं। जो सीड्स को ड्रॉप करने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सोइंग। अब देखो हमारे पास दो है, एक ट्रेडिशनल टूल है, देन वी हैव मॉडर्न टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या होता था, फनल होती थी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फनल। फनल में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा एक पाइप जैसा होता है, यहाँ पे बाउल शेप का होता है, और जो इसका पाइप का जो एंड है वो कहाँ का होता है, हमारी सॉइल के नीचे होता है। ये इसका भी आपको पिक्चर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप देखोगे तो पता चलेगा। जैसे जैसे आप आगे आगे फार्मर जाएगा इसको ये लेके ऐसे ऐसे सीड्स ड्रॉप होते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सीड्स डालना होता है, जब सीड्स नीचे जाके फिर सॉइल में क्या हो जाएंगे, अटैच होते हैं उसमें पेंट्रेट हो जाएंगे। ये था हमारा फनल, वो क्या है ट्रेडिशनल यानी पहले यूज होता था। लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत सारे हम सीड्स को एक साथ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी इसकी इतनी कैपेसिटी है, यानी कि अगर बहुत सारा एक साथ सीड्स ड्रॉप करने हो हमें दूसरा चाहिए होगा। क्या अभी हम यूज करते हैं वो एक मशीन आता है सिड्र, वो भी आपको उसकी पिक्चर टेक्स्टबुक में दी हुई है। इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही होल है, यानी एक साथ आप एक या तो थोड़ा ही ड्रॉप कर सकते हो सीड्स, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे होते हैं तो एक साथ। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आप डाल रहे हो सीड्स उसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सीड्स डाला यहाँ पर तो उसका जो प्लांट है वो बड़ा होगा ना, तो फिर इसका प्लांट यानी सब क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, यानी एक जो दूसरे प्लांट से ग्रो करे तो एक दूसरे के साथ टकराए नहीं या तो वेस्ट ना हो। इसलिए अभी ये जो हमारा सिद्धांत है वो यूजफुल है, क्योंकि तो ये क्या करता है, सेव टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम में एक साथ बहुत सारे सेट्स को ड्रॉप कर सकता है, यानी कि जो प्रोसेस है हमारे सोइंग वी कैन बूस्ट दिस प्रोसेस। और दूसरा क्या है कि इसमें एक जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है वो अपने आप डिस्टेंस में रह के एक साथ कर लेता है। और थर्ड पॉइंट एक ये है कि आप जब ये फनल्स सीड्स ड्रॉप करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने सॉइल मतलब कि यहाँ पर मैंने सीड्स ड्रॉप की तो ये जो सॉइल है वो अलग हो जाएगी, मतलब कि ये हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप घर पर भी प्लांट कर रहे हो क्या करते हो, इस पहले खड्डा करते हो फिर उसमें आप सीड्स डालते हो, फिर आपकी जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देते हो, रैप कर देते हो, कवर कर देते हो, यानी उसको मिट्टी में अंदर छुपा देते हो। तो अभी ये फनल है उसमें ये होता नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सीड्स से उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा सिड्रिल मशीन है उसमें एक फैसिलिटी हमें मिलती है कि जैसे जैसे आगे चलते जाएगा ये मशीन, तो जो हमने सिर्फ ड्रॉप किए हैं वो क्या हो जाएगा, ऊपर उसके ऊपर मिट्टी
का कवर रखा जाएगा, यानी कि आपको ये चांस है। देखो इसमें क्या होगा, सीड्स अगर बाहर ही रहेंगे तो बर्ड्स वो भी उसको खा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कवर हो जाएगा तो हम ये भी हमारे जितने भी सीड्स हमने डाले वो वेस्ट नहीं होंगे और हमारी प्रोसेस ऑनगोइंग होती रहेगी। अब देखो हमने फर्स्ट जो देख लिया, पहले क्या करना है, प्रिपेयर करना है सॉइल को और दूसरा है सॉइल। अब देखो प्रिपरेशन सॉइल में ये भी पॉइंट है, लेवल लेवल क्या करना पड़ता है। देखो जब आप प्रिपेयर करते हो सॉइल को, यानी टर्न करते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, और अभी आप करके टर्न करके डायरेक्ट आप उसमें सोइल कर दोगे तो क्या होगा, ऐसी आपकी बनेगी आप देखो ऐसी खड्डे वाली ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एग्जैक्ट लेवल करना पड़ता है, उसका भी एक मशीन आता है, उसको क्या बोलते हैं लेवल, यानी जो खड्डे वाली है या तो ऊपर नीचे हो गई है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी लेवल में आ जाएगी। फिर आप अच्छे से उसमें ड्रॉ कर सकते हो उसे। अगर लेवल में नहीं होगी, उसका लेवलिंग किया हुआ वो नहीं होगा, तो आप अच्छे से उसमें सोइंग नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज ये होता है क्लम्प्स, क्लम्प्स यानी जो मिट्टी के बड़े बड़े कंकड़ जैसा होता है या तो कोई दूसरा सब्सटेंस हो, तो वो क्या करता है लेवलिंग होने नहीं देता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। आपने मिट्टी देखी होगी कि स्मूदर अच्छे से अनुभूत होती है, यानी उसमें जो कंकड़ है या तो कोई दूसरा जो हार्ड सब्सटेंस है उसमें से निकाल देंगे, और उस हार्ड सब्सटेंस या जो कंकड़ है उसको क्या बोलते हैं क्रम्स, यानी कि उसको स्मूथ बनाने के लिए पहले जो क्रम्स है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेगा, तब ये क्या हो जाएगा हमारा लेवलिंग हो जाएगा। फिर आप अच्छे से इजीली आपके जो सीड्स हैं वो उसमें ड्रॉप कर सकते हो। अभी यहाँ तक आपकी प्रोसेस हुई, सीड्स पे ड्रॉप कर दिए। अब देखो थर्ड प्रोसेस क्या हो गई है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। अब ये क्यों होता है मैनर एंड फर्टिलाइजर एड करना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिशन मिनरल्स वाटर ये सब होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्लांट्स ग्रो करते हो क्रॉप ग्रो करते हो तो क्या होता है उसकी कमी आ जाती है, वो उसमें से खत्म होता जाता है, यानी उसको हमें क्या करना है फिर से आपको ड्रॉप करना पड़ता है, तो हम ये बास ड्रॉप करते हैं।
उसको क्या करता है वो बढ़ाता है प्लस यानी उसको इंक्रीज करता है माइक्रोब्स को। दूसरा क्या करता है इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल यानी सॉइल का टेक्सचर है जैसा हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए चाहिए वो वैसा ही बनाता है। और मेक पोरस, पोरस यानी जैसे छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें से क्या एयर अगर थोड़ा कपड़ा टाइट होगी मिट्टी जैसे कपड़ा में आप देख सकते हो कि उसमें एयर या तो वाटर जाने की जगह नहीं होती। लेकिन ये जो हमारे मैन्यूअर है वो क्या करते हैं ये हमारी जो मिट्टी होती है उसको क्या बनाते हैं पोरस यानी उसमें अच्छी तरह से एयर या तो वाटर जा सके उसमें पेनिट्रेट हो सके ऐसा बना दिए यानी जो मैन्यूअर है उसके एडवांटेज। फर्टिलाइजर क्यों नहीं है, एक तो फर्टिलाइजर महंगा होता है केमिकल होता है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसकी वजह से क्या होता है जो उससे बना हुआ जो खाना मतलब जब भी आपका पूरा क्रॉप रेडी हो जाएगा फिर हम पानी को जब यूज करेंगे या खाएंगे तो भी वो हमें हार्मफुल हो सकता है। दूसरा एक तो फैक्ट्री में ये होता है तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है कि हमारे एयर पॉल्यूशन होता है फिर सॉयल पॉल्यूशन होता है यानी जो हमारी मिट्टी होती है सॉयल होती है उसको वो बिगाड़ भी सकता है उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स है उसको खींच लेता है। यानी वो अगर आप बहुत साल के बाद देखो कि जिसमें कंटिन्यूसली फार्मर वो यूज कर रहे हैं किसका फर्टिलाइजर का वेन फार्मर्स यूज मोर फर्टिलाइजर थोड़े टाइम में क्या होगा वो हमारी कुछ काम की सॉइल नहीं रहेगी। यानी कि हमें क्या करना चाहिए फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर का ज्यादा यूज करना चाहिए। मैन्योर अपना आप बन सकते हैं मैन्योर किसी भी फील्ड में तो खाली जगह है जहाँ हम हर प्लांट्स का या जो भी एनिमल्स का वेस्ट है उसको इकट्ठा करके उसकी जो प्रोसेस होती है वो करके डिकम्पोजिशन करके क्या कर सकते हैं मैन्योर को बना सकते हैं। और फर्टिलाइजर में क्या होगा वो तो केमिकल होता है और वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जब आप उसको ऐड करोगे मैन्योर फर्टिलाइजर तो जो प्लांट्स को चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन किसके पास होंगे हमारी जो सॉइल है ना भी है सॉइल वो क्या हो जाएगी पुअर की हमारी सॉइल जैसे वो क्या हो जाएगी रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसके पास आ जाएगी। तो जब हमने जो सोइंग किया है सॉइल सीड्स को ड्रॉप किया है वो अच्छी तरह से ग्रो